कि कितना आपको पढ़ना पड़ेगा तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले एक और चीज वी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन एक है रीजनिंग का सेक्शन एंड एक है एप्टीट्यूड का सेक्शन सो इन द रीजनिंग सेक्शन आर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द कंपैरिजन और ए टी को, को तो मैं e कर दूंगा टी ए सो दिसर एंड आर आंसर इज ऑप्शन वन सो दिस वॉज दर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे

5 ठीक है 97 से 104 जाने के लिए क्या नंबर को ऐड किया मैंने 97 से 104 जाने के लिए एडेड 7297 ठीक है 104 से 10, 113 पे मैंने जाने के लिए कितना ऐड किया नाइन ऐड किया 113 से 124 जाने के लिए मैंने कितना ऐड किया 11 ऐड किया नाउ 124 से अगला नंबर जाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा नाउ यू कैन डेफिनेटली सी अ पैटर्न हियर 957911 नाउ आई हैव टू व्हाट ऐड

ab के बाद है def hijk now यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा मेरे को प्रोसीजर दिख रहा है ab के बाद मैंने एक c को मिस आउट किया एंड c को मिस आउट करने के लिए मैंने तीन लिख दिए d e f ठीक है f के बाद क्या आता है defg आता है सो आई मिस आउट दैट g एंड देन आई रोट 4 h i j k आई विल मिस आउट एल बिकॉज क्यों क्योंकि जैसे ही मैं अपना एक सेट ऑफ सेट ऑफ मतलब अल्फाबेट्स बना लेता हूँ उसके बाद में एक अल्फाबेट को मिस आउट करता हूँ एल को मिस करूंगा एच आई जे के बाद एल एम एन ओ पी क्यू वाई एम एन ओ पी क्यू बिकॉज लास्ट टाइम मैंने फोर लिखे थे इस बार कितने लिखूंगा फाइव एल्फाबेट्स लिखूंगा तो आर आंसर इज एम एन ओपी सेकेंड ऑप्शन काफी ज्यादा सिंपल अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मिसिंग टर्म नाउ वट इज दिस मिसिंग टर्म एल के बाद मैं आ रहा हूँ ओ पे ओ पे आ रहा हूँ आर पे और आर के बाद क्या आएगा ये मैंने एक तरीका ही बता दिया इस सवाल को सॉल्व करने का जब भी आपको मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी होती है इस टाइप की आप किसी एक अल्फाबेट को फॉलो करो एंड इफ़ यू फॉलो ओनली वन अल्फाबेट आपको एक पैटर्न बिल्डअप होता हुआ हो, दिखेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट वर्ड निकाल सकते हो तो एल के बाद वो आ रहा है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तीन आगे बढ़ा ओ के बाद एम एन ओ के बाद पी क्यू आर फिर आर आर के मतलब तीन आगे बढ़ा आर p q r l l m n o p q r s t u तो i can say कि मेरा जो फर्स्ट आने वाला है वो क्या आएगा u आएगा ठीक है भैया u तो पता लग गया लेकिन यहाँ पे तो तीन ऑप्शन से u के obviously तीन ऑप्शन है u के तो हम नेक्स्ट वाला देखो e i m a b c d e f g h i j k l m n o p q अब क्या आने वाला है q आने वाला है क्यों? क्योंकि हर के बीच में 3 3 का गैप था e से i पे जाने के लिए 3 का गैप लिया आई से एम पे जाने के लिए थ्री का गैप लिया और एम से क्यू पे जाने के लिए भी थ्री का गैप लिया नाउ आई कैन से कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये तो नहीं है सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है और जो थर्ड ऑप्शन है वो हो सकता है यू क्यू वी और यहाँ पे भी यू क्यू भी है तो थर्ड वाले को चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों में वी वी दे के रखा है अब अपने को नंबर्स को चेक करना आई कैन सी थ्री के बाद आया सिक्स सिक्स के बाद आया नाइन तो मुझे दिख रहा है नंबर्स में भी थ्री थ्री का गैप चल रहा है तो अगर नंबर्स में थ्री थ्री का गैप चल रहा है तो नाइन के बाद क्या आना चाहिए नाइन के बाद आना चाहिए ट्वेल्थ सो आई हैव दी फोर्थ ऑप्शन विच इज यू Q v 12. I hope ये चीज़ भी समझ आ रही हो तो बस missing terms को करना ठीक really है इन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अच्छे होते जाओगे चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन मार्क दी ऑड वन आउट अब इसमें आपने को missing term find नहीं करनी इसमें कोई ना कोई सा एक 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 सेट ऑफ अल्फाबेट है वो थोड़ा सा क्या है ऑड है तो ऑड फाइंड आउट करना तो एक पैटर्न बिल्डअप करूंगा जो मेरे फर्स्ट फर्स्ट उनमें कुछ पैटर्न देखने की कोशिश करता हूं ठीक है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के आपको पता ही है एस टी टी के बाद क्या आता है टी के बाद आता है यू और यू के बाद क्या आता है तो यहां पे हर में कितना चल रहा है दो दो का गैप चलता जा रहा है तो अब जेड के बाद अगर मैं दो का गैप लेता हूं जेड ए बी आना चाहिए आई होप ये चीज समझ आ रही है देखो हर लेटर में दो का गैप चल रहा है तो अगर जेड के बाद में वापस से ए से शुरू करूंगा तो दो का गैप कितना हो जाएगा यहाँ पे सी की जगह क्या आना चाहिए था था लेकिन पे पे क्या लिखा है सो आई कैन से कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा था, दो दो के गैप का लेकिन Z के बाद जैसे ही सी मैंने कितने का गैप कर दिया थ्री का गैप कर दिया और सी के बाद देखो डी रहा है वन का गैप हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक, एक एक्स्ट्रा दे दिया था डिजिट तो आई कैन सी सी ई डब्लू इज एन ऑड वन आउट और इस तरीके से आपको इन पैटर्न में से फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन सा और वन आउट चल रहा तो रीजनिंग के क्वेश्चंस मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन में काफी ज्यादा सिंपल आते हैं और इवन मैं तो यह भी बोल रहा हूँ स्टूडेंट नो रीजनिंग उसने ज्यादा रीजनिंग नहीं पढ़ी है स्टिल ही कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस काफी ज्यादा सिंपल आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस चलो आगे बढ़ते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ स्टेटमेंट कंक्लूजन ना

सम म्यूजिक आर एनिमेशन आई होप ये चीज समझ आ रही हूँ ऑल एनिमेशन आर मूवी एम ओ वी आई ई मूवी ठीक है नो मूवी इज अ कार्टून सो मूवीज एंड कार्टून आर नॉट टूगेदर दिस ड मीन की मैं कार्टून और म्यूजिक को कनेक्ट नहीं कर सकता लेकिन आई नो देअर आर सम पार्ट ऑफ म्यूजिक दैट आर मूवीज एज वेल और मूवीज और कार्टून साफ तो हो नहीं सकते तो मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया और मेरे को पता ये वाला जो पोर्शन होगा ऑफ ऑब्वियसली मूवीज का वो कार्टून्स नहीं हो सकता सो so म्यूजिक में भी कुछ पोर्शन है जो कार्टून्स नहीं हो सकता अब सेकंड वाला जो कंक्लूजन है दैट इज सम कार्टून्स बीइंग एनिमेशन इज अ पॉसिबिलिटी सम कार्टून्स बीइंग एनिमेशन इज अ पॉसिबिलिटी नाउ दिस इज टोटली रॉन्ग देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ कार्टून्स बींग एनिमेशन वाई बिकॉज देयर इज नो मूवी विथ कार्टून और अगर मूवी और कार्टून का कोई कनेक्शन ही नहीं है तो कार्टून मूवीज के अंदर नहीं जा सकता और सारे के सारे एनिमेशन गांव बैठे हैं मूवीज के अंदर ही बैठे हैं सो देर इज नो पॉसिबिलिटी सो आर कंक्लूजन वन फॉलोज द ओनली वन फॉलो अब ये जो वेन डायग्राम को बनाने का तरीका होता है इसको हम लोगों ने अपने कोर्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है सो इफ यू वॉन्ट टू चेकआउट द कोर्स जस्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते हो और उस पर भी उस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं कंप्लीट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का ये जिसमें इन टाइप के क्वेश्चन हो गए और कितने भी जितने भी टी सी एस मै कैप जिमिनी विप्रोसेंचर माइंड रिकॉन्ग्जेंट डिलोट एंड बहुत सारी कंपनी उन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया उस कोर्स को दैट इज फॉर कैंपस प्लेसमेंट ओनली चल तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो अबाउट सिलोजिज्म एज आई सेड सिलॉजेंचर काफी बार सिलोजिज्म पे ज्यादा फोकस करते हैं काफी बार के हर बार ही तो सिलोजिज्म में अगला क्वेश्चन है नो बैट्स आर बॉल्स ठीक है भाई तो मैंने यहाँ पे बोल दिया बैट्स एंड मैंने यहाँ पे बोल दिया क्या बॉल्स और अब अपन ने देखा सम बॉल्स आर हार्ड ठीक है भैया तो मैंने बोल दिया हार्ड एंड बॉल्स आर इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड विथ सम तो मैंने यहाँ पे सम बना दिया ठीक है ऑल हार्ड आर स्टोन्स सारे के सारे हार्ड क्या है स्टोन्स है तो मैंने यहाँ पे बोल दिया दिस इज स्टोन्स ठीक है अब बैट्स कैन भी कनेक्टेड विथ हार्ड बैट्स कैन भी कनेक्टेड विथ स्टोन्स ठीक है ये हो सकता है पॉसिबिलिटी बट आई एम जस्ट नॉट मेसिंग थिंग्स तो मैंने उनको दूर ही रखा है अब नाउ लेट्स सी सम तो समूज आर सम बॉल्स आर नॉट बैट कुछ जो बॉल्स हैं वो बैट नहीं है एंड आई कैन डेफिनेटली सी नो बैट्स आर बॉल्स तो ये तो बिल्कुल ही सही रहेगा सम बैट्स आर नॉट हार्ड कुछ बैट्स जो हैं वो हार्ड नहीं है एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू वाई लेट मी एक्सप्लेन देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि सारे के सारे बैट्स हार्ड हो जाए बट आई कैन डेफिनेटली सी कि ये जो बॉल्स हैं ठीक है ये जो बॉल्स हैं ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है हार्ड से और ये वाला जो हार्ड वाला पार्ट है ये बॉल्स से तो कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकता बिकॉज नो बॉल्स आर बैट तो मैं बोल सकता हूँ सम बैट्स आर नॉट हार्ड यस डेफिनेटली सम स्टोन्स आर बॉल्स सम स्टोन्स आर बॉल्स एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रू पॉसिबिलिटी नॉट पॉसिबिलिटी दिस इज ऑल्सो ट्रू कंक्लूजन बिकॉज कुछ देखो कुछ हार्ड बॉल्स है और सारे के सारे हार्ड स्टोन है तो स्टोन भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनसर्कल हो जाएगा बॉल्स पर ठीक है

फॉलोस दिख रहा है ठीक है तो आई होप ये चीज समझ आ रही है आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब अगला वाले जो क्वेश्चन होंगे वो एप्टीट्यूड के होंगे और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं रीजनिंग काफी ज्यादा सिंपल आती है इवन आई एम सेइंग दिस थिंग कि अगर आपने पढ़ी भी नहीं है रीजनिंग तो भी आप एसेंचर का पेपर सॉल्व कर सकते हो एंड इफ यू हैव स्टडीड इट तो आप बिल्कुल लिटरली बोल रहा हूँ दस दस बीस बीस सेकंड में एक सवाल को सॉल्व कर लोगे सो एसेंचर का रीजनिंग वाला पोर्शन काफी ज्यादा आसान होता है अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे एंड दैट इज ऑब्वियसली एप्टीट्यूड लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एप्टीट्यूड और देखते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं द स्टोरी लाइन कम फॉर एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड में सबसे पहला क्वेश्चन है अ टीचर कैन डिवाइड हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 13 एंड 17 व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास नाउ कभी भी अगर आप एप्टीट्यूड पढ़ोगे तो एप्टीट्यूड में कोई एक चैप्टर या दो चैप्टर नहीं होता देर आर मल्टीपल चैप्टर्स लाइक टू चैप्टर्स तो भैया क्या उन सबके लिए अपने को सबके फॉर्मले याद करने पड़ते हैं नहीं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स याद करनी पड़ती है दैट्स इट ठीक है और आपको बस ये पता लगाना पड़ता है कि ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से रिलेटेड है नाउ आई कैन डायरेक्टली सी दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एच सी एफ एंड एल सी एम वाई बिकॉज आपको डिवाइड करना है फाइव थर्टीन एंड सेवनटीन में स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ पूछी जा रही है तो कहीं ना कहीं दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एल सी और ये वाली जो सारी जो सोचने वाली क्षमता होती है सिर्फ तभी आ पाएगी जब आप प्रैक्टिस करोगे और इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए बी एफ क्रिएटेड आर कोर्स ठीक है तो इसको चेकआउट कर लेना टीचर कैन क्लास ग्रुप्स ऑफ़ थर्टीन एंड सेवन चलो अब आपको भी पता है देर इज क्लास इन विच देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट लेट्स से एक्स स्टूडेंट और इन एक्स स्टूडेंट को मैं डिवाइड कर सकता हूँ फाइव फाइव के ग्रुप्स में इन्हीं एक्स स्टूडेंट को मैं डिवाइड कर सकता हूँ थर्टीन 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 के ग्रुप्स में और इन्हीं एक्स स्टूडेंट को मैं डिवाइड कर सकता हूँ सेवनटीन सेवनटीन एंड सेवनटीन के ग्रुप्स में अब मेरे को ये चीज़ समझ आ रही अगर मैं इनको फाइव थर्टीन एंड सेवनटीन के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकता हूँ दैट मीनस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ फाइव एक्स इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ थर्टीन एंड एक्स इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ सेवनटीन तो 5, 13 17 का मल्टीपल है X, तो तो अपने को पूछा है smallest possible strength. तो चलो LCM निकाल दो थ्री ऑफ देम आर ऑब्वियसली प्राइम नंबर क्या होता है जस्ट मल्टीप्लाई देम और इसका आंसर आएगा वन वन जीरो इज द क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान था अगर एप्टीट्यूड रीजनिंग में आपने एच सी एफ है तो चलो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉक्स कंटेन 90 बोल्ट्स ईच ऑफ 100 ग्राम एंड 100 बोल्ट्स ईच ऑफ 150 ग्राम इन द इफ द एंटायर बॉक्स वेट 35.5 केजी देन द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉक्स इज ठीक है तो अपने को ये पता चल रहा है देयर इज अ बॉक्स उसका कुछ वेट है एक्स फिर देयर आर सम बोल्ट्स इनसाइड इट तो 90 बोल्ट्स हैं

5 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर थोड़ा बहुत भी लॉजिक लगाओगे पता लग जाएगा तो इसका एक्स का वेट कितना हो गया 35.5 9 15 बहुत ही सिंपल और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे इट विल बी 11.5 केजीस ठीक है तो काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था और अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या एसेन्सर पूछता है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एज ऑफ टेन मेंबर्स ऑफ अ कमिटी इज द सेम एज इट वॉज फोर ईयर्स अगो अब देखो ये जो सवाल है ना यहाँ पे ना भाई देख के समझ गया क्या पूछने वाले बिकॉज एन ओल्ड मेंबर है यंग मेंाउ मच यंगर इज द न्यू मेंबर ठीक है आपको बोला गया

अगर आपको इन चारों पर्सन का एवरेज निकालना है तो फोर, तो डिवाइडेड बाय इनका एवरेज अभी भी कितना आ जाएगा एट्टी आ जाएगा सिंपल बट अगर जैसे एक साल एज सबकी बढ़ गई सो आई विल इंक्रीज वन हेयर वन हेयर वन हेयर एंड वन हेयर तो टेक्निकली सेइंग अगर सबकी एज वन बढ़ गई तो आपके एवरेज की एज भी कितनी हो जाएगी एट्टी

दस और दस बननी चाहिए थी तब कहीं जाके ऐसे चार प्लस होती लेकिन हो नहीं पाई क्यों क्योंकि एक नया मेंबर आ गया और नया मेंबर इसलिए आया भाई कि प्लस चार नहीं हो पाई तो मेरे को एक चीज समझ आ रही है चार बार उसको मैंने नलीफाई कर दिया और अगर नलीफाई कर दिया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा तो इस इस दिस इज द शॉर्ट ट्रिक अब अगर आपको एक बार में ये चीज समझ नहीं है इसको रिवाइंड करके देख सकते हो लेकिन स्टिल आई विल से इसको जब हमने कोर्स में पढ़ाया तो ऐसे कम से कम दस क्वेश्चन और सोल्व करवाए सो प्लीज डू चेकआउट दी कोर्स चलो आगे बढ़ते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट इन द एरिया सब चीजों से भी रिलेटेड पूछता है अगर आपको लग रहा to, है दिस इज समिंग रिलेटेड टू वो क्या कहते हैं शेप्स वेब वैसा कुछ नहीं है आपको बोला गया रेडियस ऑफ अ सर्कल इसमें आपको एरिया पता होना चाहिए चलो एरिया इज इंक्रीज बाय अब एक बात बताओ लेट्स से योर एरिया ऑफ अ सर्कल इज बाई आर स्क्वायर वट यू हैव डन इज यू हैव इंक्रीज द रेडियस बाय ट्वेंटी परसेंट तो अगर आप ट्वेंटी इंक्रीज नहीं करते तो तो आपका रेडियस कितना कितना सॉरी एरिया पाई बट नाउ यू हैव होती है 120 100, तो अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा वन पॉइंट टू आर चलो तो अब पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई है

आर स्क्र तो यहां पर मेरे को दिख रहा है डिफरेंस ऑफ पॉइंट फोर फोर या फिर मैं बोल सकता हूं देर इज अस ऑफ फोर्टी फोर परसेंट इस तरीके से को कर सकते हैं इट्स नॉट ए टफ क्वेश्चन लेकिन आपको परसेंटेज की नॉलेज होना जरूरी है सो डू डू बस एक चीज याद रखो सारे चैप्टर्स को रट रटना नहीं मतलब सारे चैप्टर्स को पढ़ के जाना है देर आर सम चैप्टर्स ऑफ क्लासिक चैप्टर लाइक परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट उन सबको पढ़ना है फिर देर इज अ रेशियो प्रपोर्शन रेशियो एंड प्रपोशन के बाद एलिगेशन मिक्शर्स हो गया वर्क एंड टाइम हो गया स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया देर आर मल्टीपल चैप्टर सबको आपको पढ़ना पड़ेगा तभी कहीं जाके इन टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे बिकॉज एटीन टू ट्वेंटी चैप्टर में से कोई से भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे देखो देखा जाए तो क्वेश्चन काफी ज्यादा ईजी आ रहे हैं लेकिन स्टिल यू हैव टू स्टडी

तो आपको बोला जा रहा है वन 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 बिकम्स आर तो अब यहाँ पे कुछ पैटर्न फाइंड आउट करना पड़ेगा खैर मैं आपको बताई देता हूं इसका पैटर्न क्या है होता होता है one plus one plus one plus one कित्ता होता है इट्स एफ ओ यू आर फोर और फोर का जो लास्ट लेटर है वो क्या है आर चलो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू एट देख लो टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू इक्व टू एट तो ए आई जी एच टी लास्ट लेटर क्या है और ऐसी अब थ्री में भी होगा फोर में भी होगा और फाइव में भी होगा तो फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव इज कितना हो गया ट्वेंटी टी डब्ल्यू ई एन टी वाई तो वाई हो जाएगा यहाँ पे वाई तो सिंपली अपन इसका आंसर बोल सकते हैं बी बहुत ही सिंपल ठीक है चलो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और क्या पूछा जाता है एप्टीट्यूड में न्यू अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स परचेज सिक्स जैसी इंफॉर्मेशन दो ट्राई करो देखो जितना कम लिखना है लिख सको लेकिन स्टिल काफी बार ऐसा होता है कुछ बड़े क्वेश्चन होते तो उनका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन ऐसे शॉर्ट में लिखते चलो सिक्सलेट एंड ट्वेंटी शावर प्राइस ऑफ अ टॉयलेट थ्री टाइम्स प्राइस प्राइस ऑफ शावर है है ठीक तो जो टॉयलेट की वो गुना है शावर की प्राइस से तो चलो मान लो अभी शावर की प्राइस है एक टॉयलेट की होगी थ्री एक्स क्योंकि तीन गुना है अपने शावर से, तो हो जाएगा, 60 3X तो है। फिर बोल सकता हूँ 18, कितना हो गया ट्वेंटी तो तो टोटल एक बात बताओ दोनों की प्राइस कितनी हो गई

अगेन परसेंटेज क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ काफी ज्यादा क्लासिक जो चैप्टर है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इन सबसे ज्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं मूव करते हैं तुरंत देखते ही समझ आ रहा है एच सी एफ और एल सी एम का क्वेश्चन है वाई

When divided by 26, चलो ठीक है, so, जिसको आप कर रहे 26 से, तो आपको रिमाइंडर कितना चाहिए का चाहिए. अगेन द सेम विच थर्टी तो आपको रिमाइंडर कितना चाहिए थर्टी फाइव चाहिए ठीक है अगेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय वॉट फिफ्टी टू इसमें भी आपको कितना रिमाइंडर चाहिए find the चाहिए सो remainders ऑफ ऑल डोंट फाइंड First विद find लाइक number.

सो so, अगर मुझे ट्वेंटी टू का रिमाइंडर चाहिए आई कैन डेफिनेटली से दर इज़ अ फोर गैप बिटवीन देम तो यहाँ पे अगर मैं सेवन एट्टी की जगह सेवन एट्टी सिक्स सेवन एट्टी सिक्स बोल रहा हूँ सेवन सेवेंटी सिक्स रख दूंगा तो अब क्या आएगा अब आ जाएगा रिमाइंडर

So that's it. आपको पहले इनका सबका एलसीएम निकालना है और उस एलसीएम में से माइनस कर देना है फोर को सिर्फ एक बार फोर को माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा सेवन सेवेंटी सिक्स एड दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन तो यही सारे क्वेश्चन थे अपने एप्टीट्यूड के और कुछ रीजनिंग के तो अगर कुछ भी सीखने को मिला हो इसमें से कुछ भी टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे एवरेज वाले में कुछ भी पता लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को और येस अगर मैं इसको नंबर या फिर स्कोरिंग इजी हार्ड और मीडियम लेवल पे सो आई कैन डेफिनेटली से के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान होते हैं येस अगर मैं कुछ और कंपनीज की बात करूं जैसे कॉग्निजेंट हो गया या फिर विप्रो हो गया उसमें फिर भी थोड़े से टफ कुछ कुछ पूछ लिए ले जाते लेकिन स्टिल दे आर ईजी बट एसेंचर इज वन ऑफ द ईजिएस्ट टॉपिक या फिर ईजीएस्ट पेपर जिसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सबसे ईजी क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो यू कैन डेफिनेटली क्रैक एसेंचर तो प्लीज डू चेकआउट योर लिंगड इन प्रोफाइल्स एंड वेयर एवर यू कैन गो और उसमें एसेंचर का कभी भी पेपर हो तो उसको जरूर अटेम्प्ट करना ठीक है और इस टाइप की और वीडियोज हम आगे लाने वाले हैं तो प्लीज स्टे यून लाइक सब्सक्राइब शेयर और हो सके तो एक बार कोर्सेज को चेक कर लेना ऑन शेरियन कोडिंग स्कूल वेबसाइट तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय